सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। अपना वो होता है जिसके साथ बातें खुलकर की जा सके, ना कि संभल कर। संस्कारों से बड़ी कोई वसीयत नहीं होती और ईमानदारी से बड़ी कोई विरासत नहीं होती। ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। हार को लक्ष्य से दूर ही रखना क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। आज का पंचांग 1 फरवरी 2023 दिन बुधवार, मांग मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि दोपहर 2:02 तक रहेगी। इसके उपरांत द्वादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। मृगशीर्षा नामक नक्षत्र रात्रि 3:23 तक रहेगी। इसके उपरांत आद्रा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 12:32 से 1:54 तक रहेगा। आज का कोई अभिजीत मुहूर्त नहीं है। आज चंद्रमा वृषभ राशि पर दोपहर 1:59 तक रहेगी। इसके उपरांत मिथुन राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य मकर राशि पर रहेंगे। कर्क राशि 1 फरवरी 2023 दिन बुधवार, भाग्य आपकी वित्तीय स्थिति पर मुस्कुरा रहा है और अधिक कमाई के कारण आपके खर्चे भी बढ़ गए हैं। अब समय आ गया है कि आप अपने खर्चे पर नियंत्रण रखें। अब फिजूल खर्चे से बचना होगा। आपके परिजन या किसी करीबी के साथ ऐसा कुछ होगा कि आपके भीतर भी उससे अशांति आएगी। कोई सरकारी मामला चल रहा है तो उसका समाधान मिल सकता है। अपने इर्द गिर्द चल रही परेशानियों का हल उम्मीद की किरण का उदय होगा। किसी भी काम को उचित सोच विचार करके व्यवस्थित करने से बेहतर परिणाम सामने आएंगे। व्यक्तिगत जीवन सुधारने के लिए आपके द्वारा प्रयत्न बढ़ाए जा सकते हैं। काम से जुड़ी बातों में आप जितनी गंभीरता दिखाते हैं उतनी ही गंभीरता अन्य बातों में भी दिखाने की कोशिश करें। अपने स्वभाव के नकारात्मक पहलुओं पर बदलाव रखते हुए लक्ष्य प्राप्ति के लिए काम करते रहें। व्यापार से जुड़े लोगों को काम में सतर्कता रखनी होगी। रिलेशनशिप से जुड़ी बातें सकारात्मक तरीके से बदलती हुई नजर आएगी। पैर दर्द की तकलीफ नजरअंदाज ना करें। सावधानियां, किसी भी काम में जल्दबाजी ना करें। पहले उसके सभी पहलुओं पर उचित विचार विमर्श करना जरूरी है। युवा वर्ग प्रेम प्रसंगों में पड़कर अपने अध्ययन व करियर के साथ किसी भी प्रकार का समझौता ना करें। बात करते हैं लव लाइफ की। आपकी परेशानियों में परिवारजनों का पूर्ण सहयोग रहेगा। प्रेम संबंधों को विवाह में परिणित होने जैसी योजनाएं बन सकती है। आज आप यह समझने की शुरुआत करेंगे कि आप कैसे किसी के कहे पर नहीं चलेंगे और अपने संबंध में कुछ स्वस्थ सीमाओं का पालन हमेशा करेंगे। आपको यह समझना चाहिए कि आपको अपने सबसे बड़े शुभचिंतक को भी अपने लिए फैसले नहीं लेने आपको यह समझना चाहिए कि आपको अपने सबसे बड़े शुभचिंतक को भी अपने लिए फैसले लेने की छूट नहीं देनी चाहिए। अपने खुद की राय का सम्मान करना चाहिए। आप इसकी तरह पहला कदम उठाएं। लोगों की नजरों में आपका सम्मान खुद ब खुद बढ़ जाएगा। बात करते हैं करियर की। आप लंबे समय से एक ही परियोजना पर काम कर रहे हैं, इसलिए आपका दिन आज आपको नीरस लग सकता है। यह आपकी प्रगति के लिए हानिकारक है, इसलिए जितनी जल्दी हो सके बदलाव लाने के लिए आप कोशिश करें। हालांकि तब तक अपने सहकर्मियों के साथ सौहार्दपूर्ण रिश्ते का आनंद लें, क्योंकि उसमें से एक बहुत सुरक्षित रूप से आपको संगठन से बाहर का रास्ता खोजने में मदद कर सकता है। जोखिम भरा निवेश बिल्कुल न करें। अपने व्यावसायिक प्रतिद्वंदियों की गतिविधियों और हरकतों पर नजर रखना जरूरी है। आपका नुकसान हो सकता है। ऑफिस का माहौल शांतिपूर्ण बना रहेगा। बात करते हैं सेहत की। आप कई कारणों से अपने फिटनेस और स्वास्थ्य कार्यक्रम का पालन नहीं कर पा रही थी, इसीलिए अब आप वापस ट्रैक पर आ पाएंगे। ऐसा हो सकता है कि आप मन से वापस उसी कार्यक्रम को ना अपनाना चाहते हों, लेकिन आपको यह बहुत अच्छे से पता चल जाएगा कि अपने स्वास्थ्य को नजरअंदाज करना आपके लिए कितना महंगा साबित हो रहा है। अपने पहले वाले फिटनेस कार्यक्रम को दोबारा शुरू ना करें। आप उस पर अब नहीं चल पाएंगे। इसकी बजाय धीरे धीरे एक एक कदम से शुरुआत करें। आज का उपाय,
आज आप गणेश भगवान जी को गुड़ और चने का भोग लगाएं, शुभ रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।